नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी कि देखिए, ये मैंने बीच में रोम्बस शेप डाल दी है डिज़ाइन दूसरे कलर से ब्लैक में। ये मैंने स्टार्टिंग में एक फंदा लिया था ऑरेंज से, और बीच में 7 फंदे लिए थे ब्लैक से, फिर एक ऑरेंज से, फिर 7 ब्लैक से, एक ऑरेंज से, 7 ब्लैक से। अगर आप रोम्बस को छोटा बनाना चाहें तो आप बीच में इधर 7 की जगह 5 ले सकते हैं, या फिर 3 भी ले सकते हैं, या बड़ा बनाना है तो 9, 11 कितने भी ले सकते हैं। अब हम यहीं पर हैं, एक फंदा ऑरेंज से, फिर बीच में 7 फंदे ब्लैक से हैं, लेकिन मैंने नीचे यहाँ पर ऐसे ही लिया था, लेकिन बीच में ये डॉट बनाने के लिए मैंने जो 7 में से 3 3 फंदे दोनों साइड ब्लैक छोड़कर बीच में एक ऑरेंज ले लिया है। इसी तरह से पर ये बीच में एक ऑरेंज के बीच में ये 7 फंदे रहेंगे, फिर एक ऑरेंज, फिर ये 3 फंदे के बाद एक ऑरेंज है वो डॉट बनाने के लिए, जो अगली सिलाई पे ब्लैक ही हो जाएगा। फिर ये 3, फिर ऑरेंज, फिर 3 ऑरेंज 3, इस तरह से ले लें। अब इसे पीछे से इसको, अब जैसे ये यहाँ आया है तो इस तरह से इसे ऐसे बंद करना है। तो इधर बंद करने के लिए ये जो ऑरेंज वाला फंदा है ये ब्लैक से बनाएंगे और इधर कर देंगे, तो जिससे तिरछा चलेगा। ये एक ऑरेंज से ले लिया है, जैसे ऑरेंज एक साइड वाला था तो इससे एक पहले वाला ऑरेंज ले लिया है, और ये जो ऑरेंज था वो ब्लैक ले लिया है। अब बाकी बीच में पहले ये 7 फंदे थे, तो अब ये एक इधर कम हो गया और एक इधर कम होगा, तो ये बीच में 5 रह जाएंगे, 5 ब्लैक करने हैं अब। जो ये ऑरेंज डॉट बनाने के लिए था वो एक फंदे पे डॉट बन जाएगा, तो अब इसे भी ब्लैक ले लेंगे। अब एक ऑरेंज से पहले लेना है, ये ब्लैक हो जाएगा और ये ऑरेंज, बीच में 5, फिर ब्लैक से, ऑरेंज, ये देखिए, ये मैंने ले लिया है इस तरह से। जैसे पहले यहाँ पे एक ऑरेंज था, एक फंदा ऑरेंज का था, फिर 3 ब्लैक के थे, एक ऑरेंज का था, ब्लैक के थे। ये जो बीच में ऑरेंज है एक उनको हम ब्लैक से ही बना लेंगे, और जो ये एक फंदा ब्लैक ऑरेंज का था साइड से, उस पे ऑरेंज को ब्लैक कर देंगे और उसके दोनों साइड के फंदों को ऑरेंज कर देंगे। इसी तरह से करेंगे, फिर बीच में वो 5 रह जाएंगे। तो आप ये याद रखें, साइड में जो ऑरेंज था उसको ब्लैक करने के बाद एक ऑरेंज हो जाएगा, फिर बीच में 5 फंदे ब्लैक होंगे, फिर एक ऑरेंज, फिर एक ब्लैक, फिर ऑरेंज, फिर 5 ब्लैक, इस तरह से होंगे। अब पीछे से जैसे सिलाई निकाली है जिस कलर की, उसी कलर से आगे से निकाल देंगे। ये निकल गई है। अब हम पीछे से इधर भी एक बढ़ाते जाएंगे। जैसे एक ब्लैक का था, अब इस ऑरेंज को इधर ब्लैक बना लेंगे, और ये ऑरेंज अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक आगे बन जाएगा। अब इधर बीच में ये 5 थे, अब 3 रह जाएंगे।
ये ऑरेंज हो जाएगा और ये अब इधर भी ऐसे जा रहा था, तो इधर ये दो फंदे ऑरेंज किए थे वो ब्लैक हो जाएंगे। जैसे अब इस तरह से बनेंगे, एक ऑरेंज एक तीन ब्लैक, एक ऑरेंज तीन ब्लैक, इस तरह से बनेंगे अब फिर से। ये देखिए अब ये वाली ये बंद होने लगी है और ये वाली बनने लगी है, इस तरह से खुलने लगी है। तो अब यहाँ पे ये तीन हो गए हैं। अब यहाँ पे अगली, अब इधर से एक बार इसी को ऐसे ही निकालेंगे जो कलर जैसा है पीछे की साइड से। अब ये तीन के हैं, तीन जो हैं वो एक हो जाएंगे और जो ये खुल रही है इसके तीन पाँच हो जाएंगे, ये ऑरेंज इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह से होगा, ये दो दो हैं ये तीन हो जाएंगे और ये तीन का एक रह जाएगा बीच में ब्लैक और ये ऑरेंज इधर आ जाएंगे, ये पाँच हो जाएंगे यहाँ। और फिर जो नेक्स्ट लाई होगी उसमें जो ये पाँच थे यहाँ पे पाँच होंगे वो सात हो जाएंगे, लेकिन सात में भी वो बीच वाला जो होगा तीन तीन के बीच में उसे इस तरह से ऑरेंज कर देंगे जिससे ये डिज़ाइन बन जाए बीच में, इस तरह से पूरा बनेगा। फिर दूसरी कट के डलने लगेगी, जैसे ये यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट होगी, ये यहाँ पर बंद हो जाएगी, फिर दूसरी ये बंद होगी तो इसके ऊपर बनने लगेगी, इस तरह से पूरी डिज़ाइन बनेगी। ये देखिए मैंने निकाल दी है दो सिलाई, इसमें जैसे मैंने बताया था यहाँ पे तीन का एक हो गया है, यहाँ पे तीन थे यहाँ एक रह गया है और जहाँ यहाँ तीन थे यहाँ पे पांच हो गए, इस तरह से बनेगा। और जो नेक्स्ट सिलाई है इस पर ये बंद हो जाएगा और ये वाला है ये इसका बीच आ जाएगा जिस पर ये डॉट वाली लाइन बनाई है। तो इसको पहले साइड से तो ये ऐसे ही निकालेंगे। अब जो ये बीच में एक ब्लैक रह गया था इसको बनाएंगे ऑरेंज से, बाकी ये जो साइड में थे इस ऑरेंज को मिला के इसमें ये तीन निकालेंगे इससे ब्लैक से। अब जो इसका ये बीच वाला ये यहाँ पे हम बीच में आ गए इसके, तो इसको हम ऑरेंज से बनाएंगे। देखिए इस ऑरेंज के दोनों साइड में तीन तीन है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ये बंद हो गया है और ये बीच में ये वाला डॉट बन गया है। इसी तरह से हम इसे ऑरेंज से लेंगे। इसके भी ये तीन फंदे लेकर इसके बीच में ये एक ऑरेंज से ले लेंगे। ये याद रखें कि इसे अगली सिलाई पे नहीं बढ़ाना, इसे केवल यहीं पे एक सिलाई पे ही यहाँ पे एक फंदा ऑरेंज से निकाला है, फिर कहीं भी नहीं निकाला, तो ये याद रखें।
ये देखिए, ये यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है और ये वाली आधी हो गई है। तो अब ये बंद होगी और ये वाली स्टार्ट हो जाएगी, इसी तरह से बनती जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।